हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीक्रेट वॉर का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि जो लड़ाई शुरू हुई थी वो लड़ाई किस तरफ झुक रही है। क्या गॉड डूम का ये बैटल वर्ल्ड खत्म होगा, या फिर वो हीरोज जो कि उसके खिलाफ खड़े हुए थे, या फिर वो हीरोज मारे जाएंगे जो उसके खिलाफ खड़े हुए। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के जरिए भी आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैशटैग के जरिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर बैटल वर्ल्ड में लड़ाई ने एक नया रुख ले लिया था, क्योंकि मास्टो की हल्क आर्मी उसे ज्वाइन कर चुकी थी और दोनों रीड रिचर्ड अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो चुके थे। और रीड रिचर्ड्स को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड पर था। और रीड उससे कहता भी है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम हमें वहां तक पहुंचा दो। और वो कहता भी है कि मैं काफी फास्ट हूँ, अगर हम पर हमला ना हुआ तो हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी एक हल्क उनके शिप पर हमला करता है और ये देखकर रीड रिचर्ड कहता है, मिस्टर क्विल, एक हल्क हमारे शिप पर है, क्या तुम इससे पीछा छुड़ा पाओगे? और तब उससे पीछे छुड़ाते हुए उस स्पेसशिप का AFT इंजन खराब हो जाता है, जिस वजह से वो लोग क्रैश करने लगते हैं। तब क्विल कहता है, मुझे वो अपना प्रॉमिस याद दिलाना कि मैं तुम लोगों को एक पीस में वहां तक पहुंचाऊं। और वो आगे कहता है कि जल्दी से किसी चीज को पकड़ लो। यहाँ मास्टर अपने हेलीकैरियर में बैठा हुआ था और वो कह रहा था, क्या तुम मुझे उस कैसल डूम से देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर अपनी ग्रीन नॉर्थ की पूरी सेना लेकर तुम्हारे इस धरती पर आ चुका हूँ, और जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए आऊंगा गॉड, मैं कहने के। और वो इतना कह पाता तब तक बेन उठ खड़ा होता है और वो कहता है, हेलो दोस्त, क्या तुमने देखा कि एक जाइंट ऑरेंज गाय यहाँ पर अपना पुराना बदला लेने आया है और तुम इस वक्त उसके रास्ते में खड़े हो। और इतना कहकर वो मास्टो का वो हेली कैरियर तबाह कर देता है। और यहाँ पर नीचे चल रही वॉर में थॉर, कैप्टन मार्वल और बाकी के हीरोज ही देख रहे थे कि मास्टो की शिप अब नीचे आ रही है। यहाँ पर हेली कैरियर तबाह होता देख सुजन बौखला जाती है और वो कहती है कि बेन, आखिरकार तुमने ये क्या किया? और तब ये सब देखकर ब्लैक स्वान अपने काम के लिए आगे बढ़ जाती है गॉड की परमिशन के साथ। और तब वो विक्टर से पूछती है, यानी कि सुजन पूछती है कि विक्टर, अब बेन का क्या होगा, तुम उसके साथ क्या करोगे? लेकिन तब तक वलेरिया बताती है कि मॉम वहां देखो, अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ कैसल डूम में क्रैश लैंडिंग के बावजूद भी वो तीनों सही सलामत थे और दोनों रीड रिचर्ड्स अपने अपने काम के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ वो पीटर क्विल से कहते हैं कि अपना काम ठीक से करना। और यहाँ पर दोनों रीड के जाने के बाद स्टार लॉर्ड कहता है, तुम दोनों के वापस आने तक मैं इस शिप को ठीक कर दूंगा ताकि ये फिर से उड़ पाए। और यहाँ पर मैं अकेला ही कुछ से बात कर रहा हूँ इस कैसल में। यहाँ पर फ्रैंकलिन रिचर्ड गैलेक्टस के साथ बेन से लड़ने के लिए आ चुका था। यहाँ पर ना बेन को पता था कि वो कौन है और ना ही फ्रैंकलिन को पता था कि वो उसके अंकल बेन है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत बड़ी टक्कर दे रहे थे। और ये देखने के बाद सुजन विक्टर से कहती है कि विक्टर, क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? क्या तुम इसे अभी खत्म नहीं करोगे? तो विक्टर कहता है, हाँ कर तो सकता हूँ, लेकिन अगर ग्रिम यहाँ पर है यानी कि शील्ड अब टूट चुकी है, इसका मतलब वो अब आ रहे होंगे। यहाँ पर फ्रैंकलिन कहता है, तो अब ये खत्म होगा क्योंकि मेरे फादर गॉड डूम यहाँ पर आ चुके हैं और वो बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है। ये सुनकर बेन रुक जाता है और कहता है, रुको, तुमने क्या कहा फादर? इसका मतलब डूम तुम्हारे फादर है? तो फ्रैंकलिन कहता है, हाँ। और ये सुनने के बाद बेन कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम सुजी के बेटे हो? तो वो कहता है, हाँ मैं हूँ फ्रैंकलिन वॉन डूम, तो चलो अब लड़ो मुझसे। तो बेन कहता है, नहीं अब बिल्कुल भी नहीं, शायद इसका एंड अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता और ये सही भी नहीं होगा, तो तुम जो करना चाहते हो करो बच्चे। और तब गैलेक्टस एक ही पंच में पूरे के पूरे बेन ग्रिम को तबाह कर देता है। यहाँ पर सुजन ये देखकर बहुत घबरा जाती है, लेकिन वलेरिया कहती है, आपको ये देखना चाहिए। तब वो कहती है, तुम क्या कह रही हो? तो वलेरिया कहती है, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? क्या आप मुझसे प्यार करती है? तब सुजन कहती है, हाँ, तुम मेरी बेटी हो तो क्यों नहीं? तब वलेरिया कहती है, तो चलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ।
यहाँ स्टार लॉर्ड अपने उस शिप को ठीक कर रहा था कि तभी उसे मारने के लिए ब्लैक स्वान वहां पर आ जाती है और ब्लैक स्वान उसे धमकी देते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर अपने गॉड को सर्व करने आई हूँ, उन लोगों को खत्म करने जो उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। तब वो कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं उन भेड़ों में से हूँ जो कि ये धमकी सुनकर डर जाएंगे? तो जान लो कि मैं एक बहुत बुरा भेड़िया हूँ जो कि अपने शिकार को बहुत अच्छी तरह से तबाह करना जानता है और ये मेरा नेचर है। तो तुम जहाँ से आए हो वहीं पर लौट जाओ, वरना बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नजारा उल्टा पड़ चुका था क्योंकि ब्लैक स्वान उसे पीट रही थी और वो कह रही थी, तुम कुछ हर्ट के बारे में कह रहे थे और ये मत भूलो कि हर एक प्रजाति का अपना एक्सटिंक्शन साइकिल का एंड होता है और आज तुम्हारा है और यही मेरा नेचर है कि सबका एंड करना। तब वो कुछ ढूंढते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम इतनी बड़ी जगह में इतने छोटे से पीस के साथ गायब नहीं हो सकते। और तब वो उसे मिल भी जाता है और पोल्ट्री का सहारा लेकर वो पेटते हुए कहता है, तो ठीक है, तुम्हारे पास आखिरी चांस है, मुझे नहीं लगता कि तुम चाहोगे कि मैं इसे यूज करूं। तब वो कहती है, तुम्हारे जैसा इतना बेवकूफ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, तुम एक खोखले हथियार के साथ जो कि इतना पिद्दी सा है मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, तुम इसके साथ क्या करोगे, गॉड के थ्रोन को चोट पहुंचाओगे? तब वो कहता है, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। और तब वो एक छोटा सा ट्री का टुकड़ा हाथ में लेते हुए कहता है, मेरे दोस्त को हेलो कहो, और वो टुकड़ा वो वर्ल्ड ट्री में घुसाता है, इस वजह से वो वर्ल्ड ट्री ग्रो होने लगती है। और तब स्वान कहती है कि ये है क्या, तुमने क्या किया? तब वो कहता है, रुको अभी नहीं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ग्रूट अपने फुल फॉर्म में आ चुका था और ये देखकर गैलेक्टस के ऊपर बैठा हुआ फ्रैंकलिन रिचर्ड कहता है, अब ये कुछ बहुत बड़ी मुसीबत लगती है। यहाँ पर पूरे महल को तबाह होता देख पलेरिया से सुजन कहती है, बैटल पूरी तरह से रूप बदल चुकी है, वोल्ट्री अब खड़ा हो चुका है कैसल तोड़कर, और तुम ये कर क्या रहे हो मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा। तब पलेरिया कहती है, देखो मॉम, मैं कह रही हूँ कि हमारे साथ झूठ बोला गया है और मैं जितना जानती हूँ उतना आप देख सकती है। और वो उसे दिखाने के लिए लाती है कि गॉडूम ने कुछ छुपा रखा था और वही ढूंढने के लिए एन वक्त पर दो रिचर्ड्स अब वहां पर आ चुके थे। और अपनी बेटी को देखकर रीड रिचर्ड बहुत खुश होता है और साथ ही सुजन को हेलो भी कहता है। यहाँ पर अनाइलेशन वेव को खत्म कर ही रहा था डूम कि तभी उसके सामने थैनोस आ जाता है और तब वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो तुमने उस वॉल को डाउन किया, शील्ड तोड़कर इन लोगों को यहाँ पर ले आए, किस लिए? ये सब करने के लिए तुमने अपना टाइम वेस्ट किया, तुम इस हॉर्ड को यहाँ तक लाए ताकि मुझे खत्म कर सको, मैं तुम्हें अभी भी मौका देता हूँ कि मुझ पर फेंत रखो और मेरे सामने घुटने टेक कर गॉड कबूल करो। तब वो उससे कहता है, और तुम मुझे गिफ्ट दोगे, मुझे इन्फिनिटी गाउंटलेट, मुझे वो ताकत पहले ही दे चुका है और जब मैं गॉड था तो उन पावर के साथ मैंने वो नहीं किया जो कि मॉर्टल्स करते हैं, एक दूसरे को बचाना। जब मेरे पास वो ताकत थी मैंने जजमेंट दिया सारे जिंदा चीजों के लिए, सारे लिविंग थिंग्स के लिए। तुम गॉड नहीं हो, तुम वीक हो, तुम एक प्रिटेंडर हो और तुम्हें लगता है कि इस वजह से कोई तुम्हारे सामने झुकेगा। तब डूम कहता है, तो तुम्हारे पास इन्फिनिटी गाउंटलेट है अभी? तब वो कहता है, नहीं अभी तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं थैनोस हूँ, एक ग्रेट टायरेंट, ये तुम्हारे लिए काफी है। लेकिन तभी डूम उसके सीने में हाथ डालते हुए उसके रीढ़ की हड्डी को खींच लेता है और ये देखकर अनाइलस सदमे में आ जाता है और घबरा कर वो डूम की बात मानने लगता है और डूम उसे कहता है कि वापस उस जंग में जाओ और मेरे खिलाफ बगावत करने वालों को खत्म कर दो। यहाँ पर एक बार फिर लड़ाई का रुख डूम की तरफ होने वाला था लेकिन तभी सीज करेज का डोर ओपन होता है और उसके अंदर से कोई आने वाला था और जो उसमें से बाहर निकला वो देखकर डूम घबरा जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मार्वल जॉम्बीज थे जो कि पूरी आर्मी को तबाह करने की ताकत रखते थे। यहाँ पर डूम एक एक करके उन्हें मार ही रहा था कि तभी डूम को कोई पुकारता है और तो हम देखते हैं कि उससे लड़ने के लिए दो किंग्स आ चुके थे, नेमर और ब्लैक पैंथर। और उस करेजस के डोर से बाहर निकलते हुए इन्फिनिटी गाउंटलेट हाथ में लिए ब्लैक पैंथर कहता है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है और अब ये इसी के साथ खत्म होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के अलावा और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है तो मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।